सोलन के पीजी कॉलेज में एसएफआई ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। उनके द्वारा कॉलेज के भीतर किसी भी विद्यार्थी को जाने नहीं दिया गया। वहीं कॉलेज में एबीवीपी का धरना प्रदर्शन भी जारी था। एसएफआई की मनमानी को देख एबीवीपी भी सुर्ख नजर आई। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। एबीवीपी ने जबरन बंद किए गेट को खुलवाने के लिए जोर डाला। कुछ देर में पुलिस कॉलेज में पहुंची और बंद गेट को खुलवाया गया, तब जाकर विद्यार्थी कॉलेज के अंदर प्रवेश कर सके। दोनों छात्र संगठन आमने सामने आने से कॉलेज में तनाव का माहौल देखा गया, लेकिन पुलिस की मध्यस्थता से मामले को शांत करवाया गया। पीजी कॉलेज एसएफआई इकाई के सेक्रेटरी पंकज शर्मा ने बताया कि वह कॉलेज प्रशासन की अनुमति से वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से मिलकर उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की मांग है कि छात्र चुनावों को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी दिखावा कर रही है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा सरकार है और उनके मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी इन्हीं चुनावों से चुनकर आगे पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र चुनाव को बहाल नहीं किया जा रहा है। पिछले एक महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया प्रिंसिपल मैडम ने, और साथ ही जो भी ये मांग कर रही है कि ऐसी इलेक्शन बहाल हो, बिल्कुल दिखावा कर रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है और जो इनके शिक्षा मंत्री है, वो सब एवीवीपी से निकले हुए हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हुए हैं, और उसके बावजूद एवीवीपी यहाँ पर दिखावा कर रही है और यहाँ पर कॉलेज खोलने में पूरी प्रशासन की मदद कर रही है। जो हमारा मोमेंट था उसको बिल्कुल तरीके से दबाने का काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे कॉलेज प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है या एवीवीपी के लोग है, वो सब लोग हमारे साथ जो बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉलेज बंद करने में हमारी जो मदद नहीं की जा रही, और हमारे को बिल्कुल वहाँ पर दूर दूर धकेला जा रहा है, और हमारी जो स्ट्रेट कॉल है उसको बिल्कुल यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। जब इस बारे में एबीवीपी कार्यकर्ता अर्ची सुमन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में भूख हड़ताल कर रही हैं, धरना प्रदर्शन करने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, लेकिन एसएफआई ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया, जो ठीक नहीं है। शिक्षा के द्वार कभी बंद नहीं होने चाहिए और विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी दूर दूर से कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कॉलेज का गेट बंद होगा तो विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी, इसीलिए उन्होंने कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर गेट को खुलवाया है। पर देखेंगे एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने गेट बंद कर दिया था, इसका गेट बंद करना कोई उपाय नहीं है, स्ट्राइक करो, भूख हड़ताल करो, या उसके क्योंकि आम विद्यार्थियों को परेशान करना इसका कोई हल नहीं है, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस गेट को खोलने के लिए संघर्ष किया और करते रहेंगे। शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए, शिक्षा यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, अगर हम इन्हें इस तरह से गेट बंद करके यहाँ परेशान करते रहेंगे तो इस तरह से यहाँ पर छात्र एडमिशन नहीं लेगा। तो विद्यार्थी परिषद का एक प्रदेश सरकार से यही मांग है कि छात्रों के मूलभूत अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए और जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है उसे बंद किया जाए।